सर कैसे लगे मूवी? यार बहुत बढ़िया थी। क्या क्या अच्छा लगा मूवी? अच्छी थी, नॉर्मल थी। क्या अच्छा लगा मूवी में? सर कैसे लगे? खास लगा मूवी में। कैसे लगे राधा श्याम? अच्छी, एक नंबर। क्या क्या अच्छा लगा? हर चीज अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी थी। स्टोरी अच्छी थी। सर कैसे लगे राधा श्याम? बहुत शानदार थी, बहुत शानदार। जी जी। प्रभास का काम मूवी जी सर, कैसे लगे? क्या क्या अच्छा? कैसे लगे सर मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी। प्रभास का काम कैसा था? बहुत अच्छा ही था। बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, मजा आया। बाबा कैसे लगे पिक्चर? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अरे आपका क्या क्या लगा? अच्छी अच्छी लगी मूवी। क्या क्या अच्छा? लव स्टोरी बेस्ट है। और विजुअल से राधे सर कैसे लगे? मत देखना भैया कुछ। कैसे लगे सर? एवरेज एवरेज, एक नंबर है। बढ़िया, मजा आया। कैसे लगे राधेश? शानदार शानदार, बढ़िया, फैंटास्टिक। कैसे लगे राधेश? अच्छी मूवी, अच्छी, अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी। कैसे लगे राधेश? अरे कैसे लगे? कैसी लगी मूवी? एक नंबर भैया। कैसी लगी? बहुत। क्या क्या अच्छा लगा सर? सारा कुछ सीन अच्छे थे, फाइनेस्ट और जैसे सारे सीन थे हॉलीवुड जैसे। कैसे लगे सर? बकवास है, बकवास। कैसे लगे? क्लाइमेक्स तो छोड़कर। कैसे लगे मैम मूवी? अच्छी थी मैम। कैसे लगे मूवी? ऑसम। प्रभास और पूजा का काम बहुत अच्छा। कैसे लगे? अच्छी, न्यू कंसेप्ट, अच्छा था। आइए ना भाई, कैसे लगे मूवी? बहुत बढ़िया भाई। प्रभास का काम कैसा? बढ़िया, एकदम बढ़िया। पूजा, पूजा का काम बढ़िया, सबका एकदम। कुछ अलग लव स्टोरी थी बॉलीवुड की फिल्म मूवी थी, एकदम अलग। हाँ, फिक्स टाइप की थी, थोड़ी अलग स्टोरी थी। फुल पैसा वसूल, पैसा वसूल, बिल्कुल सबको देखनी चाहिए। सबको देखना चाहिए भाई। थिएटर आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? मैं तो 4.5 दूंगा। सर कैसे लगे? सर इंटरेस्टिंग मूवी नहीं होती। इंटरेस्टिंग। सर कैसे लगे राधा श्याम? एक नंबर भाई, एक नंबर। अच्छा, एक्टिंग। सर कैसे लगे राधेश? काफ़ी अच्छी मूवी है। प्रभास का काम कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी सीन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे उसमें। लास्ट में जो शिप का सीन है वो बहुत ही मतलब ऑसम सीन है। बॉलीवुड में ढेर सारी लव स्टोरी बनती, लेकिन इस फिल्म में आपको क्या अलग और क्या नया देखने? ये प्योर लव स्टोरी थी, और एक जो रोमांस रहता है वो पूरा इस फिल्म में था। रोमांस है, लव स्टोरी, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के साथ फिल्माई गई थी। और पूजा हेगड़े वॉज ऑसम। फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ है, तो फिल्म के VFX देखकर लगता है कि हाँ फिल्म में उस तरह के VFX है। हाँ, उस तरह के VFX तो है, बट जैसा पब्लिक का आशीर्वाद रहेगा और वो चलेगी पिक्चर उतनी। फिल्म में पूजा और प्रभास की केमिस्ट्री कैसी लगी? काफ़ी अच्छी थी केमिस्ट्री। और प्रभास एज ए लवर बॉय कैसे लगे? मतलब एक्शन रोल में तो हमने देखा साहो और बाहुबली में, लवर बॉय में कैसे लगे? एज ए लवर बॉय काफ़ी अच्छे लगे, उनका रोल भी बहुत ही ऑसम था जी। और पूरी मतलब एक केमिस्ट्री दोनों की काफ़ी अच्छी लगी। मतलब ओवरऑल बढ़िया फिल्म। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 4.8। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए भाई, कैसे लगी मूवी? बढ़िया था। क्या अच्छा लगा फिल्म? प्रभास अच्छा है, मतलब उसमें स्टोरी भी अच्छी है। और उसके प्रभास का काम, प्रभास का नाम आदित्य है, और उसमें पूजा हेगड़े नहीं, हाँ पूजा हेगड़े है, और विक्रमादित्य। बढ़िया काम, हाँ बढ़िया बढ़िया। बोर तो नहीं करते कहीं? नहीं, बोर नहीं। फुल पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 4। मतलब बोर, थैंक यू। इफेक्ट उनके शानदार है, और जो ये लोकेशन पे, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। और गाने हैं जो, वो कैसे लग रहे हैं? गाने भी बहुत बढ़िया हैं, मतलब एक नंबर। गाने के साथ बहुत अच्छी मैच हो रही है, लव स्टोरी बहुत शानदार है उनकी। कहीं एक्शन देखने को मिला है मूवी में? एक्शन में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टोरी, लव स्टोरी चलती बहुत बढ़िया है, मतलब देखने लायक है। हाँ कॉमेडी, बकायदा कॉमेडी है, फुल है, फुल पैसा वसूल है, मतलब एक नंबर रॉक कर दिया अपना। मतलब राधे श्याम लोगों को पसंद आएगी? आएगी, बहुत आएगी, बहुत आएगी। कहीं बोर तो नहीं करती? नहीं नहीं, कहीं कनेक्ट करके रखती बकायदा, आप जाओ। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5, 5।